हेलो फ्रेंड्स, हमने ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कंप्लीट किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समरी रूप में मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या चाहिए और क्या क्या माइंड में रखना पड़ेगा बिफोर गोइंग योर एग्जाम। तो समरी में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का समरी, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो हिंदी लेक्चर होगा, हिंदी में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले जो आपकी पॉइंट्स है जो माइंड में रखनी है, जनरली बच्चे इसकी डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 20 डिवाइडेड बाई 5 ये 4 आता है, 100 डिवाइडेड बाई 20 ये 5 आता है। तो जनरली कैलकुलेटर में कैसे बच्चे डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले 5 को मिटा देते हैं, फिर पहले 20 लिखते हैं, अब फिर डिवाइड की बटन पुश करते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर इक्वल टू लिखते हैं। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 है तो डिवाइड की बटन लगाइए, आप इक्वल टू करेंगे और जो भी आएगा इसको इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, 20 से इंटू कर देंगे, तो आपका रिजल्ट वही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे 20 है तो 20 लिखा गया है, इसको 100 से डिवाइड करनी है, तो आप डिवाइड की बटन को पुश कीजिए, इक्वल टू कीजिए, डिवाइड हो गया, इनटू आपका कितना आ गया, 100 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा आपका। अल्टीमेट मैंने आपको क्या बता रहा हूँ कि इस 20 को हमने कैसे लिखा, इसको हम कैसे लिखा है, हमने 20 इंटू 1/5 लिखा है। फिर अगर 20 इंटू 1/5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे मैंने कैसे किया है, 100 इंटू 1/20 इतना आ गया। अब इसके बाद अगर मैं ये लिखूँ 100 इंटू ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05, दैट इक्वल टू आपका 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे तो वही मैंने पहले डिवाइड किया है, इसको पहले आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए और इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने 5 को 1/5 करनी है तो 5 को 1/5 करनी है तो डिवाइड और इक्वल टू कर दीजिए, 20 को 1/20 करनी है तो 20 लिखा हुआ है और डिवाइड और इक्वल टू कर दीजिए 1/20। तो इसकी कैलकुलेटर में कैसे लिखा जाता है, जैसे 5 डिवाइड की बटन पुश कीजिए और इक्वल टू कर दीजिए, डिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस इक्वल टू 1/5 बराबर हो जाएगा। 20 है, 20 डिवाइड की बटन पुश कीजिए, इक्वल टू कर दीजिए, डिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/20 का मतलब इतना हो जाएगा आपका 0.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को टाइम कम लगेगा और इसे हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। फिर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जनरली अगर 2 to the power सपोज कीजिए यहाँ पे 2 की पावर n इक्वल टू 64 है, तो हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे और कैसे n की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो बहुत आसान था, जैसे 2 2 2 ऐसे करेंगे तो 6 times 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6 दैट इक्वल टू दिस। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इसका मेथड क्या है, उस अल्टरनेटिव मेथड को पहले सीखना पड़ेगा, इसकी तरीका क्या है, अल्टरनेटिव हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कैलकुलेटर में लिखिए 2 लिखिए कैलकुलेटर में, ठीक। अब इंटू की बटन लगाइए, सबसे पहले क्या लिखनी है, 2 लिखनी है सबसे पहला, दूसरे आपके क्या करनी है, इनटू की बटन पुश करनी है और इक्वल टू करनी है, इनटू और इक्वल टू, इसको काउंट करनी है कितना से, स्टार्ट करना है काउंटिंग, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 2 से काउंट स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, इनटू लिखा, इक्वल टू किया तो 2 2 2, क्योंकि इनटू इक्वल टू करेंगे तो एक बार मल्टीप्लाई करके बता दें, 2 से काउंट स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 6 पे 64 आ रहा है,
6 पे 64 आ रहा है, 6 पे 64 आ रहा है, इसीलिए 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू करते हैं 2 से काउंट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके बता 2 3 4 5 6, हम देखते जाएंगे कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद, कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये 64 आ रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आ रहा है। उसी तरह इस केस में, इस केस में हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, सेकंड में क्या करेंगे हम इनटू और इक्वल टू करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम 2 से, और 2 से काउंट करके इक्वल टू करते जाएंगे, 2 से काउंट करेंगे और इक्वल टू करते जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ऐसे काउंट करते जाएंगे और चेक करेंगे कि कितने पे ये आ रहा है, कितने पे ये आ रहा है, 2187 कितने पे आ रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा 3 कैलकुलेटर पे, ठीक है 3 लिखा, फिर हम क्या करेंगे इनटू इक्वल टू, तो 2 काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में 2187 आ रहा है, 7 टाइम्स में। जैसे देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में 2187 आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 7, तो 3 की पावर n 3 की पावर 7, तो 3 की पावर n 3 की पावर 7, n इक्वल टू आपका कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह हम n की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी केसेस में इस तरह हम n की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में बच्चों को क्या आ रहा है, जैसे सपोज कीजिए सेल प्राइस आपकी 100 है, सेल प्राइस 100 है और कॉस्ट ऑन सेल आपको दिया हुआ है 20%, कॉस्ट ऑन सेल आपको 20% दिया हुआ है। तो फर्स्ट तरीका बच्चा क्या बनाता है, पहले कॉस्ट निकालता है 10% ऑफ 200 डेट इक्वल टू 20, और फिर नेट प्रोसीड कैसे बच्चों निकालता है 100 माइनस 20 80। एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका क्या है, दूसरी अल्टरनेटिव तरीका है डायरेक्ट आप नेट प्रोसीड निकालिए, डायरेक्ट नेट प्रोसीड निकालिए सेल प्राइस इंटू 1 माइनस कॉस्ट परसेंटेज, अगर 10% है यहाँ पे 1 माइनस 20, तो यहाँ पे 80 आ गया। और सपोज कीजिए यहाँ पे सपोज 10% कॉस्ट परसेंटेज है, यहाँ पे 10% है, 200 सेल प्राइस है, तो 200 सेल प्राइस है, 10% कॉस्ट परसेंटेज है, तो 200 1 माइनस 10 बाई 100, दिस 180 आ जाएगा। अब देखिएगा तो हमेशा आप कौन सी फॉर्मूला को लिखना चाहेंगे, अगर 10% कॉस्ट निकालनी है तो ये वाला माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, अगर ऐड करना है तो प्लस करेंगे, इंक्रीज हुआ तो प्लस कर देंगे और डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे 1 माइनस 2 परसेंटेज को माइनस कर देंगे। अब उसी तरह जैसे यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते थे, हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे 100 1 माइनस 20% को कैसे लिख सकते हैं, 0.20 दैट इक्वल टू 100 इंटू 0.80 दैट इक्वल टू 80, हम ऐसे लिख सकते हैं 80 ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, समझ आ गया। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैंने ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चा ने मुझसे डाउट पूछा था इस केसेस में, जो ये वाली केसेस में जब आपको क्लास लिया था तो जिसमें आपने बच्चा कहा सर -1/f का है, आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये टैक्स होता है प्रिफ्रेंस के केस में, कैसे कैसे लिख दिया आपने, तो वो मैंने आपको समझाया था इस केस में डायरेक्ट लिख सकते हैं या नेट प्रोसीड निकाल कर लिखेंगे, कॉस्ट को निकाल कर माइनस करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, नहीं निकालेंगे डायरेक्ट करेंगे फिर भी उतना ही आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जांपल के साथ बतलाया था, यहाँ पे ये वही क्वेश्चन है जो आपको पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आपके पास आते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमने एक फॉर्मूला ये आपको ड्राइव किया और ये आपको जाननी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बिफोर टैक्स ये होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आफ्टर टैक्स ये होता है 1 प्लस डी टी नेट प्रोसीड।
तो ये नॉन रिडीमेबल के केस में केस है, ये कौन सा है, नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल का केस है जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। रिडीमेबल के केस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट को यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस आपको ये लिखा जाता है। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ डेब्ट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है इसको प्रेफरेंस डिविडेंड से रिप्लेस किया जाता है, इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होता है इसलिए 1 माइनस टैक्स रेट रखता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स लगता है, 1 प्लस डिविडेंड टैक्स लगता है यहाँ पे, यही जो डिफरेंसेस है, ठीक है। दूसरी बात है, हमारे पास नेट प्रोसीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम करने के बाद इशूड प्राइस आता है, इसको कहते हैं इशूड प्राइस, इसको सेल प्राइस भी कहा जाता है, सेल प्राइस भी कहीं पे रिप्रेजेंट करता है इशूड प्राइस। अब मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू और इशूड प्राइस विच एवर इज हायर इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट और इट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, इसको कैलकुलेट करते हैं जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है उस तरीके से। दूसरी, इफ इशूड एट प्रीमियम देन इट इज यूज टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड इशूड करेगा तो नेट प्रोसीड निकालेंगे, जैसे नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, ऐसे। इफ रिडीमेबल एट प्रीमियम देन इट इज कैलकुलेट ऑन रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पे आरबी जो होता है रिडीमेबल वैल्यू होता है, नेट प्रोसीड होता है, ये मैच्योरिटी पीरियड होता है, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई टू, ये सारे आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में मैंने आपको कहा था डिविडेंड प्राइस अप्रोच पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिविडेंड पर से डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर से, अर्निंग प्राइस अप्रोच के बेस पे अर्निंग पर से डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर से और 1/ प्राइस अर्निंग रेशियो, ये चीज़ें बताई थी, प्राइस अर्निंग रेशियो। दूसरा, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, मैंने कहा था एक चैप्टर है आप लोग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा इसके बारे में। के इक्वल टू रिस्क फ्री प्लस बीटा आर एम एन एस आर एफ, आर एफ इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा इक्वल टू मार्केट सेंसिटिविटी, आर एम रिटर्न अंडर मार्केट पोर्टफोलियो, आर एम एन एस आर एफ को मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, बीटा आर एम एन एस आर एफ को रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम क्या क्वेश्चन करते हैं, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में के इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस जी, डी वन क्या कहता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, पी जीरो करेंट मार्केट प्राइस, जी मीन्स ग्रोथ रेट फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट है। इसके बाद अगर P0 निकालनी है तो D1 KE माइनस G, अगर ग्रोथ रेट निकालनी है तो इसी फॉर्मूला से हम ड्राइव कर सकते हैं, ये D0 का मतलब क्या है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड एंड डिविडेंड एंड ऑफ द लास्ट ईयर करंट ईयर डिविडेंड, D0 का मतलब ये समझेंगे, डिविडेंड पेड होगा, डिविडेंड एंड ऑफ द लास्ट ईयर करंट ईयर डिविडेंड। इसके बाद यहाँ पे अगर सपोज कीजिए डी वन डी जीरो वन प्लस जी, डी टू डी जीरो वन प्लस जी एक्सक्वायर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, डी जीरो और डी वन में क्या कहा जाता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और डिविडेंड एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आप ये फॉर्मूला है, कभी कभी आपको ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है, ग्रोथ रेट पूछा जा सकता है, तो ग्रोथ रेट कैसे पूछेगा, आपको कैसे निकालनी है, देखिए इफ करेंट डिविडेंड इज टू, तो करेंट डिविडेंड का मतलब ये क्या हो गया, डी जीरो हो गया, डिविडेंड आफ्टर फाइव ईयर इज दिस, तो डी फाइव हो गया, फाइंड द ग्रोथ रेट, आपको ग्रोथ रेट पूछा है, तो
तो हमारे पास ये फॉर्मूला अगर 5 यहाँ पे है तो पावर में भी क्या होगा 5 होगा, 5 यहाँ पे है तो पावर में भी 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3.22102 ये लिखेंगे, 1 + g^5 ये फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले जाता है, लास्ट हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उसको ऐसे करनी है, इसकी स्टेप्स यूज करनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में ये वाला पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट लिखने के बाद आप क्या करेंगे 12 टाइम्स रूट लेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाय 0.20 जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका उल्टा करना शुरू करते हैं, हम +1 लिखेंगे, फिर इंटू इक्वल टू करेंगे, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, इंटू इक्वल टू कितने बार करेंगे 12 बार करेंगे। जैसे मैं करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1.61051, फिर इसको 12 टाइम्स रूट लेनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर क्या करनी है नेक्स्ट टाइम में, ये 12 टाइम्स रूट लेना था, मैंने 12 टाइम्स रूट लिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करनी, -1 करनी है, हमने -1 कर दिया, फिर इक्वल टू किया, फिर मल्टीप्लाइड बाई क्या करनी है 0.20, तो इंटू 0.20 कर देने, फिर क्या करनी है +1 करना है, तो हम क्या लिखेंगे +1 = फिर क्या करनी है इंटू इक्वल टू कितने टाइम्स करनी है 12 टाइम्स करना है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करनी है, तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे आपके पास 1.10 आ जाएगा, इसके प्लेस पे 1.10 आ जाएगा, तो 1 + g = 1.10, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे g इक्वल टू 1.10 - 1, दैट इक्वल 0.10, दैट इक्वल टू 10%। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेट निकालते हैं, इस फॉर्मूला से हम ग्रोथ रेट निकालेंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि कितने क्वेश्चन, कौन कौन सी क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम के टाइम में करनी है, और फॉर्मूला सारा माइंड में तो रखना ही है, इतने सारे चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेप्थ पे बेस्ड क्वेश्चन 2-4 कर लेंगे, प्रेफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन 2-3 कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 38 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 से लेकर 116 तक, इतनी क्वेश्चन करने के बाद आपकी सारी कंसेप्ट, सारी टाइप की क्वेश्चन आपकी माइंड में आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये चीज़ें आपको हर एक चैप्टर के एंड में, हर एक चैप्टर के एंड में रिविजनरी आपका वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, प्लीज़ आप लोग रिवाइज करेंगे, और ये सारी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताई है आपको मैंने एक कॉपी बनाने के लिए बोला था, उस कॉपी में आपको लिखकर रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलें।